आज राजेश और पल्लवी के घर खुशी का माहौल था, और हो भी क्यों नहीं। आज 5 साल बाद उनके घर बेटे का जो जन्म हुआ, दोनों उसका नाम सोचने लग गए और फाइनली उसका नाम रखा गया लक्ष्य। राजेश और पल्लवी अपनी संतान के बारे में कई सपने देख रहे थे। वे दोनों पहले से सोच रखा था कि उसे डॉक्टर बनाएंगे। जैसे ही लक्ष्य 4 साल का हुआ, उसे पास के स्कूल में एडमिशन दे दिया गया। लक्ष्य को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था। किसी को यकीन नहीं होता था कि यह पेंटिंग 4 साल के बच्चे ने बनाई है। लक्ष्य पढ़ने में बहुत अच्छा था, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। क्लास 11th में उसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे, ना चाहते हुए उसे बायोलॉजी लेनी पड़ी। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। मजबूरी में लक्ष्य को अपने पेरेंट्स की बात माननी पड़ी। लक्ष्य का पढ़ाई में प्रदर्शन पहले से बिल्कुल खराब हो गया। क्लास 12th के बाद लक्ष्य को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और वो वहाँ पढ़ाई के लिए चला गया। पढ़ाई पूरी करके लक्ष्य वापिस आया और उसने क्लिनिक भी खोल ली। कुछ समय बाद लक्ष्य की शादी हुई और उसकी एक बेटी भी हुई, पर उसके मन में कहीं न कहीं अपना मुख्य लक्ष्य पेंटिंग करना सिर्फ सपना बन गया था। अब लक्ष्य के जीवन का लक्ष्य था कि जो वो नहीं कर सका वो उसकी बेटी करे। लक्ष्य अपनी बेटी को पेंटर बनाना चाहता था, यह जाने बिना कि उसकी बेटी क्या चाहती है। दोस्तों, हम इस तरह की पहले भी कई बार सुन और पढ़ चुके होंगे, कई मूवी भी देखी होगी, जैसे 3 इडियट, तारे जमीन पर। पर असलियत में जब अपने बच्चों पर अप्लाई करने की बात आती है तो हम अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जो हमने नहीं किया वो हमारे बच्चे करेंगे, या फिर समाज क्या कहेगा। जीवन में सफल होने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि खुश रहना है। आपने कई लोगों के बारे में सुना होगा जिनका लोगों ने पहले मजाक उड़ाया है, आज सब उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, संदीप महेश्वरी इत्यादि। अगर उनके पेरेंट्स भी उन्हें किसी और फील्ड में जाने के लिए मजबूर करते तो उनका क्या होता, आप खुद सोच सकते हैं। थैंक यू।